हेलो देयर। कई जगहों से ये न्यूज़ आ रही है कि COVID-19 के पेशेंट्स के अंदर ब्लैक फंगस करके एक न्यू डिज़ीज़ दिखाई दे रही है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि COVID-19 के क्राइसिस के बीच में अब ये एक फिर से कौन सी न्यू डिज़ीज़ आ गई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई न्यू डिज़ीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी है, बहुत पहले से है ये डिज़ीज़। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसका क्योर अवेलेबल है। और रही बात डिज़ीज़ की, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इस डिज़ीज़ के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस, चूँकि इसका कॉमन नेम है, आजकल लोग इसे ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। मेडिकल फील्ड में इस डिज़ीज़ को म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। पहले इस डिज़ीज़ को ज़ाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था। बहुत सारे फिजिशियंस आज भी इसे ज़ाइगोमाइकोसिस के नाम से ही एड्रेस करते हैं। तो क्या है ये डिज़ीज़ म्यूकोरमाइकोसिस? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। म्यूकोरमाइकोसिस इज़ अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड माइक्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ओके, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है। तो कौन से फंगस इस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो एक फैमिली है फंगस की जिसे कहते हैं म्यूकोरमाइसिटीज। उस फैमिली के फंगस इस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, म्यूकोरमाइसिटीज से होता है म्यूकोरमाइकोसिस। नाउ, अब ये फंगस कहाँ पर होते हैं, सोर्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो फंगस है वो सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। मतलब कोई भी सड़ा हुआ प्लांट हो गया, या फिर एनिमल मतलब जो डेड है, या फिर सड़ा हुआ फूड, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इन सारी जगहों पर ये फंगस पाए जाते हैं। मतलब अगर ऐसे कोई एनवायरनमेंट में या फिर ऐसे कोई एरिया में कोई जाएगा, उस इंसान को ये इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, तो अब सवाल आता है कि ये इन्फेक्शन किसको हो सकता है? देखो, हमारी डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये फंगस हमारी बॉडी में जाते हैं, लेकिन हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी स्ट्रांग है, वो इस फंगस से लड़ लेता है, फाइट कर लेता है। ओके, तो हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, तो वहाँ पर सिनेरियो चेंज हो जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए आजकल COVID-19 के पेशेंट्स के अंदर ये डिज़ीज़ देखी जा रही है। क्या होता है कि COVID-19 की वजह से हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। तो इस वजह से इस फंगस को मौका मिलता है। फिर जब वो बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि इसे रोक पाए। तो इस वजह से फिर इसका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, फिर ये इन्फेक्ट कर देता है बॉडी को। तो इसीलिए COVID-19 के पेशेंट्स में ये देखा जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ COVID-19 के पेशेंट्स को ही इसका रिस्क ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसके लिए इसका रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि किसी को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसके अंदर इसका रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर किसी को इंजरी हुई हो, किसी को सर्जरी हुई हो अभी अभी, या फिर कोई वूंड हो स्किन के ऊपर, तो उसके लिए इसका रिस्क बढ़ जाता है। या फिर अगर किसी को ल्यूकेमिया हो, कैंसर हो, तो उनके लिए इसका रिस्क बढ़ जाता है। या फिर कोई लॉन्ग टर्म पे स्टेरॉइड्स के ऊपर हो, मतलब स्टेरॉयडल मेडिसिंस खा रहा हो, तो उनके अंदर भी इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर अगर किसी का डाइट प्रॉपर नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन बराबर बॉडी को नहीं मिल रहा, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो उनके अंदर भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसके लिए ये डिज़ीज़ थोड़ा सा रिस्की है। ओके, नाउ ये तो बात हो गई रिस्क फैक्टर की, मतलब किन किन सिचुएशन में इस डिज़ीज़ का रिस्क ज़्यादा है। ओके, अब इस इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। 5 टाइप के होते हैं ये इन्फेक्शंस।
राइनो सेरेब्रल, पल्मोनरी, क्यूटेनियस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड डिसेमिनेटेड। नाउ इन पांचों में सबसे ज़्यादा लोगों को राइनो सेरेब्रल होता है। राइनो सेरेब्रल में क्या होता है कि साइनस से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट हो जाते हैं, मतलब ब्लॉकेज हो जाता है और बराबर ब्लड नहीं पहुंच पाता ब्रेन तक। अब इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो आंखें सूज जाती हैं, ओके, आधा चेहरा दर्द करता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, कन्फ्यूजन होता है, मेंटल स्टेटस चेंज होता है, साइनस के अंदर पेन होता है और जबड़ों में दर्द होता है। उसके अलावा हमारी नाक से जो डिस्चार्ज निकलता है हमारी नोज़ से वो डार्क होता है। तो ये सारे सिम्टम्स थे राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के। नाउ नेक्स्ट इज पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो लंग्स के अंदर होता है, मतलब लंग्स के अंदर अगर म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो उसे कहते हैं पल्मोनरी। नाउ इसमें क्या होता है कि निमोनिया हो जाता है और फिर निमोनिया धीरे धीरे काफ़ी सीवियर हो जाता है। इसमें जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है हार्ट में, फिर उसके बाद ब्रेन में भी स्प्रेड हो सकता है। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो कफ होगा और कभी कभी कफ के साथ में ब्लड भी आएगा। उसके अलावा फीवर होगा और सांस लेने में तकलीफ होगी। नाउ नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। ये हमारे GI ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन होगा तो उसे कहेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। इसके सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होगा और हमारे स्टूल के अंदर ब्लड आएगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग के साथ भी ब्लड आएगा, वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज क्यूटेनियस और स्किन के ऊपर जो म्यूकोरमाइकोसिस होगी तो उसे कहते हैं क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। ये इसलिए होती है कि अगर किसी को इंजरी है, किसी को बर्न है या फिर अभी सर्जरी हुई है, तो अगर कोई भी ज़ख़म है हमारे स्किन के ऊपर तो उस टाइम पर जो भी म्यूकोरमाइकोसिस होगा उसे कहेंगे क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो टिशू पे, जिस भी टिशू पर इन्फेक्ट करेगा वो टिशू ब्लैक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और पेन होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है कि जो फंगस है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा तो वो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाकर भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, जैसे कि हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, ब्रेन वगैरह, ओके। तो ये तो बात हो गई डिजीज़ के बारे में, ठीक है डिजीज़ है, ओके, लेकिन अब प्रिवेंशन क्या है? बिलीव मी, प्रिवेंशन इज़ 100 times बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन क्या क्या है। अब अगर कोई कोविड का पेशेंट है या फिर डायबिटिक है तो उसके लिए ये प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे इन्वायरमेंट में जाने से अपने आप को रोकें जहाँ पर सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर्स हों, ऐसे इन्वायरमेंट में जाने से अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकें। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को बहुत फ्रिक्वेंटली धोएं, हाथों को अच्छे तरीके से धोएं ताकि कोई भी इन्फेक्शन मुंह या नाक के ज़रिए आपकी बॉडी में ना एंटर कर सके। उसके अलावा अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। उसके अलावा अगर आपको कोई ज़ख़म है, कोई इंजरी है, कोई बर्न है या फिर सर्जरी हुई है, कोई भी ज़ख़म है तो उसको बैंडेड करके रखें, उसको साफ़ सुथरा रखें, उसके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाएं, उसको ढक कर रखें। एंड लास्ट जो है कि अपने डाइट पर ध्यान दें, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो इस इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है, ओके। तो ये बात हो गई प्रिवेंशन की। अब बात यह है कि अगर आप कोविड पेशेंट हैं या फिर डायबिटिक हैं और अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र आ रहा है तो तुरंत ENT अपने ENT फिजिशियन को कांटेक्ट करें, उनसे रابطہ करें, उनसे पूछें, उनको बताएं कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या करें क्या ना करें, ओके। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी फ़िलहाल
कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोग घर के अंदर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आप क्या ड्रग ले रहे हैं। कोई भी ड्रग मत लें। स्टेरॉइड्स पर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दें। कोई भी ड्रग लेने से पहले अपने डॉक्टर्स या फिजिशियंस को कॉन्टैक्ट करें, पूछें कि आपको क्या डिज़ीज़ है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ड्रग है, उनसे डिस्कस करें और फिर उसके बाद ही लें, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एंड फाइनली, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को तब तक प्रिवेंट नहीं कर सकता जब तक वो उससे अवेयर ना हो। तो लोगों को अवेयर करें इन सब चीज़ों से। बाकी स्टे सेफ। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमारी और वीडियोज़ को चेकआउट करें। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, अलाउ मी टू साइन ऑफ।